हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि आपकी इंजीनियर ड्राइंग की जो परीक्षा हो रही है जिसमें आपके एनुअल एग्जाम होने वाला है कल जिसमें फ़र्स्ट ईयर के लिए आपके किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है यहाँ पर टोटल पचास मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर आता है जो आपका थ्री ओवर है यानी तीन घंटे का होता है जिसमें आल क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके दस क्वेश्चन यहाँ पर दस नंबर के दस नंबर के तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर बीस नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार तो यहाँ पर टोटल आपके चार क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल यानी आपके 2020 में आपके चार क्वेश्चन पूछे गए थे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन क्या है ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ मतलब आपको यहाँ पर फ्री हैंड यानी हाथ से स्केच बनाना है जो कि पेंसिल के द्वारा आपको यहाँ पर आपको स्क्राइबर बनाना है और सेंटर पंच बनाने के लिए आया था तो दोनों ही क्वेश्चन पाँच पाँच नंबर के थे तो यहाँ पर आपको स्क्राइबर और सेंटर पंच सात डिग्री पर आपको बनाने आया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए स्क्राइबर स्क्राइबर कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर डबल एडिट स्क्राइबर है अर्थात यहाँ पर दोस्तों यहाँ ये यह स्क्राइबर जो ये मतलब ये होते हैं जो कि मार्किंग करने वाले औजार होते हैं यहाँ पर एक प्लेन स्क्राइबर है यहाँ पर ये इस प्रकार से इनका क्वेश्चन जो बनाया जाता है यहाँ पर ये इनका चित्र बनाया जाता है कुछ इस तरीके से इनका चित्र बनाया जाता है जो आपके सामने यहाँ पर दर्शाया गया है डबल एडिड स्क्राइबर ये ऊपर वाला है और यहाँ पर प्लेन स्क्राइबर ये नीचे दर्शाया गया है उसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर दर्शाया गया है सेंटर पंच तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेंटर पंच दर्शाया गया है तो सेंटर पंच कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर आपका सेंटर पंच जो कि बर्गा कट शीर्ष अर्थात यहाँ पर ये सेंटर पंच जो है नाइन्टी डिग्री का है और यहाँ पर सिक्सटी डिग्री के लिए आपको सेंटर पंच बनाने के लिए आया था तो यहाँ पर सिक्सटी डिग्री वाला जिसका सेंटर पंच है दोस्तों तो यहाँ पर ये सिक्सटी डिग्री में आपका ये सेंटर पंच है तो यहाँ पर ये सिक्सटी डिग्री के लिए एंगल पर बनाया गया जो कि सात डिग्री एंगल है तो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सेंटर पंच से बनाने के कुछ आया था और यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो क्या था ड्रा द इलिप्स बाई फोर सेंटर मैथड यानी चार सेंटर मैथड के अनुसार जिसकी मेजर अक्ष अर्थात जिसकी दीर्घ अक्ष चालीस एम mm, एम अर्थात इसकी लघु अक्ष आपकी चालीस एम एम की होनी चाहिए थी तो यहाँ पर कुछ ये आपका इस प्रकार का आपका एलिप्स यानी दीर्घ व्रत होता है इस प्रकार से बनाया जाता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक दीर्घ व्रत का एग्जाम्पल है यहाँ पर जो कि इस प्रकार इसकी लेंथ अस्सी है और यहाँ पर चालीस है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको एक दीर्घ व्रत बनाना था जिसकी आपको अस्सी दीर्घ अक्ष थी यानी दीर्घ अक्ष अस्सी एम एम थी और अक्ष चालीस एम एम की थी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये बनाने को आया था वो क्वेश्चन नंबर तीन जो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि ड्रा द गिविन कवर प्लेट ऑफ एंड प्लेस द dimensions इन द एलिजेंट सिस्टम तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर बनाने के लिए आया था जिसकी ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना था जिसकी बीस ये दी थी पच्चीस यहाँ पर ये ये पोर्शन दिया था पंद्रह ऐसे दिया था और पंद्रह ये नीचे और पच्चीस यहाँ पर तो टोटल मिलाया दोस्तों यहाँ पर आपको इनकी टोटल लंबाई जोड़ के इस प्रकार आपको ये चित्र बनाना था क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर चार जो आया था जो किस प्रकार से क्वेश्चन चार आया था क्वेश्चन नंबर चार था डरा फ्रंट व्यू अर्थात प्लेन व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू सम्मुख या इस प्रकार के चार तीन इसमें व्यू आपको बनाने आए थे प्रोजेक्शन के जिसमें आपको फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू आदि आपको बनाने आए थे थ्री एंगल प्रोजेक्शन में जो कि आपके बीस नंबर का टोटल क्वेश्चन आपका पूछे गए थे तो दोस्तों इस प्रकार का आपका ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर आपको बनाना था तो दोस्तों यहाँ पर हम दिखाई देते हैं इसका भी को एक एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है एक चित्र यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसका सम्मुख दृश्य है तो यहाँ पर इसका बनाना था जो कि कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का व्यू में आपको बताना था यहाँ पर पास्ट व्यू पास व्यू इस प्रकार से आपका ये दिया गया था ये और यहाँ पर कुछ एक व्यू ये ऐसे दिया था सम्मुख दृश्य व्यू और यहाँ पर प्लेन व्यू इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आपको बनाने थे तो तो इसका दोस्तों यहाँ पर सम्मुख पासर्भ और प्लेन दृश्य यहाँ पर इसको बनाने थे जो कुछ इस प्रकार से आपके बने थे जो कि प्रथम कोणीय प्रेक्षण था और इसका थर्ड एंगल व्यू था तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आपकी इंडियन ड्राइंग की परीक्षा दो में पूछे गए थे तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ही बनाने को आते हैं जिसमें कुछ मुख्य क्वेश्चन आपके जैसे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे आपका स्क्राइबर होगा हैमर हो गया और यहाँ पर डिवाइडर होगा फाइल होगी और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाने आए थे तो दोस्तों यहाँ पर फ्री हैंड स्केच के क्वेश्चन आपको फ्री हैंड के आपको तैयार करके जाने हो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों की पी चाहते हैं या इन क्वेश्चन पेपर की पी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें जो कि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है अंकुर सर आई आई जो कि आपका यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक आदि सभी चैनल का लिंक या सोशल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाएँ वहाँ पर आपको सभी प्रकार के पी आदि वहीं पर मिलेंगी